हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगली टर्म है टर्म नंबर 15, परचेज। देखिए दोस्तों, परचेज का नॉर्मल सेंस में अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को खरीदना या बाय करना परचेज बोला जाता है। लेकिन इन अकाउंट सिर्फ जब एक बिजनेस गुड्स को परचेज करता है तो ही हम टर्म परचेज को यूज कर सकते हैं। और अगर बिजनेस कोई एसेट्स परचेज करता है तो वहां पर वी कैनॉट यूज द टर्म परचेज। वहां पर उस पर्टिकुलर एसेट का नाम यूज किया जाता है। ओके, एक एग्जाम्पल से आप अगर देखें तो मान लो एक शूज बिजनेस है, जिसका बिजनेस क्या है, शूज को खरीद के बेचना। तो यहाँ पर जब ये बिजनेस अपने शूज बाय करेगा तो ये शूज इसके लिए क्या है, इसके गुड्स। तो दोस्तों गुड्स जब इसने बाय किए तो गुड्स बाय करते वक्त परचेज टर्म का यूज हम करेंगे। तो ये बिजनेस क्या कहेगा, दैट ही हैज मेक परचेजेस। बट अगर यही बिजनेस फर्नीचर परचेज करता है अपने कस्टमर्स की सिटिंग के लिए तो ये फर्नीचर इस बिजनेस के लिए इसका फिक्स्ड असेट्स है, ना कि गुड्स। तो यहाँ पर इसने ये जो फिक्स्ड असेट्स बाय किए हैं, यहाँ पर मैं परचेज टर्म को यूज नहीं कर सकता। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स ओनली। तो अगर कोई एसेट बिजनेस परचेज करता है तो वहां पर परचेज टर्म को यूज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों एक और चीज, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में ये ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, चीज फाइनल प्रोडक्ट को खरीदता है, फाइनल शूज, और उसको एज इट इज अपने कस्टमर को सेल करता है, तो ट्रेडिंग कंसर्न के केस में परचेज को हम बोलेंगे परचेज ऑफ फाइनल गुड्स। लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो पहले गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसे फाइनल शेप देती है, उसके बाद सेल आउट करती है, तो वहां पर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि डायरेक्ट शूज वो नहीं बेच रही, पहले उसको शूज को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके लिए रॉ मटेरियल फैब्रिक लाने पड़ेंगे, धागे उनको लाने पड़ते हैं कई टाइप के, जब जाके उन रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के बाद इनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और दोस्तों परचेजेस जो बिजनेस कर सकते हैं वो कैश में भी कर सकते हैं और उधार परचेज भी कर सकते हैं, क्रेडिट परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट परचेज। इसके बाद दोस्तों परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जब परचेज्ड गुड्स, किसी बिजनेस ने माल परचेज कर लिया था लेकिन उसमें कोई डिफेक्ट आ गया और उस डिफेक्ट की वजह से जब बिजनेस रिटर्न कर देता है सप्लायर को उस गुड्स को, तो उसे बोला जाता है परचेज रिटर्न। तो व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर और सेलर ड्यू टू एनी रीजन, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेल्स। देखिए सेल्स का मतलब होता है गुड्स को सेल आउट करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके कस्टमर्स को, जो भी आपने टोटल रेवेन्यू कमाया, जो भी आपने टोटल अमाउंट रिसीव की, उसे बोलते हैं सेल्स। और दोस्तों सेल्स टर्म भी हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, फॉर गुड्स ओनली। अगर हम अगर किसी बिजनेस ने गुड्स बेचे हैं तो ही हम सेल्स टर्म को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बिजनेस ने कोई एसेट बेचा है तो वहां पर हम सेल टर्म का यूज नहीं कर सकते। वहां पे उस एसेट का पर्टिकुलर अकाउंट ओपन किया जाता है। इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे जर्नल के चैप्टर में। तो दोस्तों द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट एंड सेल्स में बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। एक बिजनेस कैश सेल कर सकता है और वो अपने कस्टमर्स को उधार पे भी माल बेच सकता है, तो दिस इज सेल्स। और सेल्स रिटर्न दोस्तों इसका उल्टा, व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न्ड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज सेल्स रिटर्न। इसका मतलब मान लो बिजनेस ने अपने कस्टमर को कोई भी माल बेचा और उस गुड्स में कोई डिफेक्ट निकला तो कस्टमर ने जो बिजनेस को माल वापस किया उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसके बाद दोस्तों अगला है डेटर्स। डेटर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई एक बिजनेस अपने कस्टमर को सेल करता है ऑन क्रेडिट उधार पे। तो जब एक बिजनेस अपने कस्टमर को उधार माल बेचता है और ये कस्टमर ने अभी तक कोई अमाउंट पे नहीं की, अमाउंट नॉट रिसीव, तो बिजनेस ने उधार माल बेचा कस्टमर को और कस्टमर से अभी बिजनेस को कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो इस कस्टमर को बिजनेस का क्या बोला जाएगा, डेटर। ओके दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा डेटर का मतलब, एक बार पढ़ते हैं। डेटर्स आर पर्सन्स और अदर एंटिटीज टू हूम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड येट, और उन पर्सन से अभी तक हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो फ्यूचर में इनसे हमें क्या मिलने वाला है, कैश मिलेगा। तो फ्यूचर में जिनसे भी कैश मिलता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का एसेट। तो डेटर्स आर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और अगली टर्म है क्रेडिटर्स। देखिए जब एक बिजनेस किसी सप्लायर से या जो सेलर है उससे गुड्स परचेज करता है ऑन क्रेडिट, बट बिजनेस उसको पेमेंट अभी नहीं करता, डज नॉट पे टू सप्लायर। इसका मतलब जब बिजनेस सप्लायर से उधार पे माल खरीदता है लेकिन अभी तक बिजनेस ने उसको पेमेंट
नहीं की तो उस सप्लायर को और उस सेल और उस सेलर को जिससे बिजनेस ने उधार माल खरीदा है उसे बिजनेस का क्या बोला जाएगा? क्रेडिटर। एंड क्रेडिटर इज द लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। व्हाई? क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में इन सप्लायर्स को इन गुड्स के बदले पेमेंट करनी है, तो इसलिए दीज आर द लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। तो एक बार इसको पढ़ेंगे, कहता इफ द बिजनेस बायज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, अगर बिजनेस ने उधार पे माल खरीदा एंड अमाउंट इज स्टिल टू बी पेड टू द पर्सन और एंटिटीज, और अमाउंट अभी पे होना बाकी है उन पर्सन को और उन अदर एंटिटीज को, दैट इज उन सप्लायर्स को, उन सेलर्स को जिनसे बिजनेस ने माल खरीदा है, देन दीज पर्सन और अदर एंटिटीज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस एंड दीज आर द लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस बिकॉज बिजनेस हैज टू मेक पेमेंट्स टू देम इन फ्यूचर। दोस्तों अगली टर्म है टर्म नंबर 21, वाउचर। देखिए दोस्तों, वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ने की है या नहीं, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसे बोलते हैं वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस ने गुड्स परचेज किए हैं कैश में, तो इसका क्या एविडेंस है कि बिजनेस ने कैश में परचेज की है या नहीं? तो दोस्तों, जब भी एक बिजनेस कैश परचेज करता है तो उसको जो सामने वाली पार्टी जो सेलर होता है वो उसे क्या इश्यू करता है, एक डॉक्यूमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश मेमो। तो वो इस बात का प्रूफ होता है बिजनेस के लिए कि बिजनेस ने गुड्स परचेज किए हैं। तो ये जो कैश मेमो का डॉक्यूमेंट हमें मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, वाउचर। और अगर बिजनेस उधार पे माल खरीदता है बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर बिजनेस इसको क्या मिलता है, बिल मिलता है एक, और उस बिल को हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस। तो ये बिल इस बात का सबूत होता है कि बिजनेस ने उधार पे माल खरीदे हुए हैं। ओके, एंड व्हेन वी मेक अ पेमेंट, जब कोई बिजनेस एक पेमेंट करता है तो उस केस में जो सामने वाली पार्टी है बिजनेस को एक एक्नोलेजमेंट रिसीट इश्यू करती है, और ये रिसीट इस बात का प्रमाण होता है that business has made payment to that party. तो ये जितने भी documents हैं, cash memo, invoice, receipt, these all are called vouchers because they are supporting a transaction. That transaction has occurred between the business and the other party. ओके दोस्तों, तो वाउचर का मतलब आप सबको समझ आ गया होगा, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इनको एग्जांपल्स के साथ। और दोस्तों नेक्स्ट टर्म है टर्म नंबर 22, डिस्काउंट। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट का मतलब होता है रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। मतलब जब एक सेलर अपने बायर को गुड्स के प्राइस में कुछ छूट देता है तो उस रिबेट को, उस छूट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट दोस्तों दो टाइप का हो सकता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट एक सेलर अपने बायर को कब प्रोवाइड करता है, जब उसको ज्यादा गुड्स अपने बायर को बेचने होते हैं। ओके, ज्यादा गुड्स बेचने होते हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो सेलर है वो अपने बायर को बेस्ड ऑन क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि अगर आप मुझसे एक यूनिट खरीदोगे तो आपको 10 रुपीज का मिलेगा, अगर आप 10 यूनिट मुझसे खरीदते हैं, अगर आप अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर ले तो मैं आपको 1 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, और अगर आप अपनी क्वांटिटी 10 से बढ़ाकर 100 करते हैं कि आप 100 क्वांटिटी मुझसे खरीदेंगे तो मैं आपको 1 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरीके से ये जो डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है ये क्वांटिटी बेस्ड है, कि जैसे जैसे कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है वैसे वैसे उसको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में जो पर्पज होता है इज टू परसुएड बायर टू बाय मोर गुड। यहाँ पर सेलर बायर से चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करे, तो इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड इट इज अलाउड एट एन एग्रीड परसेंट ऑन लिस्ट प्राइस। दोस्तों, ये लिस्ट प्राइस पर अलाउड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो। दोस्तों, अकाउंट्स में हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जो सेलर होता है वो अपने इनवॉइस में जब वो बिल बनाएगा अपना, तो वो अपने लिस्ट प्राइस में से गुड्स के, वो अपने गुड्स के लिस्ट प्राइस में से ऑलरेडी इस ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर देता है, माइनस करके दिखाता है। तो जो बिजनेस होता है उसको जो नेट कॉस्ट पड़ती है, उसको जो नेट पेमेंट करनी होती है, वो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट करनी होती है। दैट इज वाई ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपको समझ आया। और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब एक सेलर को कैश का कलेक्शन इमीडिएटली या फास्टली कैश को कलेक्ट करना होता है अपने डेटर्स से, तो उस केस में सेलर अपने कस्टमर्स को क्या अलाउ करता है, कैश डिस्काउंट। वो अपने कस्टमर्स से कहता है
कि देखो अगर आप मुझे अभी के अभी सारी कैश पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 10% का कैश डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेटर्स और जो कस्टमर्स होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके आपको गुड्स का प्राइस कम पे करना है अगर तो आप अभी सारी पेमेंट हमें कर दें जिससे बिजनेस को कैश इमिडिएटली कलेक्ट हो जाएगा और वो कैश पेमेंट जो वो कर रहे हैं अभी के अभी सारी उस पर हम आपको क्या अलाउ कर देंगे कैश डिस्काउंट। ओके और दोस्तों कैश डिस्काउंट जो है इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको किताबों में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ आई। इसी के साथ दोस्तों हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर पर एक असाइनमेंट दूंगा जैसे मैंने पहले दिया था, और वही चीज आपको करनी है। पहले उस असाइनमेंट को आप घर से सॉल्व करेंगे खुद अपने आप। उसमें मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, उन दोनों क्वेश्चन को आप खुद अपना माइंड अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं इसकी सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा तो उसे आपको देख के क्रॉस चेक करना होगा। तो यही हमारा तरीका रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल बटन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।